किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर किशन चंद्रा, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, जो कि भारत सरकार की एक संस्था है, यहाँ से बोल रहा हूँ। और जैसा कि पहले भी हम लोग समय समय पे वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में बात करते रहे हैं, आज वेस्ट डिकम्पोज़र के जो सोल्यूशन होना बन जाता है उसका एक बिल्कुल अलग टाइप का कैसे उपयोग कर सकते हैं वो मैं दिखाऊंगा, वो मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि उसको आप यूज़ करें। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे सीड्स होते हैं, हर तरह के सीड, चाहे आपके गेहूं हो, चाहे आपका धान हो, चाहे काली उड़द हो, ग्रीन मूंग हो, कोई भी हो, मूंग की दाल पल्सेस आपके, चाहे ऑयल सीड्स हो, हर तरह की सीड्स जो है, हर एक सीड्स का अपना गुण होता है। और हर एक सीड्स के अंदर, अगर सीड आप लेते हैं छोटा सा सीड, उसके अंदर जो है हमारे एंजाइम्स होते हैं। वो जो एंजाइम होता है वो आपका ग्लूकोस चेंज होके स्टार्च के फॉर्म में होता है। और जब हम किसी भी सीड्स को पानी में डालते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है और उसमें से स्प्राउटिंग होती है। इसी सीड्स से, क्योंकि हर एक तरह के सीड जो हमारे हैं, जितने तरह के सीड हैं, सब में अलग अलग एक गुण है, अलग अलग तरह के एंजाइम हैं। ये देखा गया है कि अगर ये एंजाइम देखे जाएँ टोटल सीड्स के अंदर, तो ये 4000 के आसपास होते हैं। तो ये, और ये एंजाइम इतने महंगे होते हैं कि जो कि अगर आप मार्केट से लेंगे वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, वो लाखों में उसका दाम आता है, एक ग्राम की कीमत लाखों में आ जाती है। तो वो कैसे हम अपने घरों में बनाएंगे, इस चीज़ को हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये किसान भाई अपने आप इसको खुद बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, थोड़ा प्रोसेस लंबा है लेकिन बहुत ही अच्छा है। पहली बात तो ये है कि ये टोटल प्रोसेस है, सीड्स का हम बनाने जा रहे हैं, एंजाइम्स का प्रोसेस बनाने जा रहे हैं, ये पूरा क्लोज्ड प्रोसेस है। इसमें सनलाइट ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए सनलाइट में काम नहीं करना है। जो भी काम करेंगे हम, वो छाया में काम करेंगे। जो बनेगा वो भी छाया में बनेगा, और इसको जो बना के रखेंगे वो भी छाया में रखेंगे। इसमें भी वही यूज़ है कि जितने भी तरह के सीड हैं, हम यहाँ पर हम लोगों ने 17 तरह के सीड लिए हैं, वो मैं दिखाऊँगा। उन सीड्स को हम लोग मिट्टी के अंदर पहले बो देंगे, बोने के बाद उसको स्प्राउट होगा। जब निकलेगा सीड निकलने के बाद उसके जो रूट सिस्टम थोड़ा सा डेवलप होता है तो उसके आसपास रोजेस पर आ जाता है। रोजेस पर मतलब बहुत सारे एंजाइम जैसे आते हैं, बैक्टीरिया वहाँ पर आ जाते हैं। तो वो सारे के सारे बैक्टीरिया आपके पास सॉइल में आ जाएंगे, प्लांट के साथ आ जाएंगे, प्लस एंजाइम एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है। तो एंजाइम जो है आपके सीड्स में जो अवेलेबल है वो धीरे धीरे निकलना शुरू होता है, उसी से स्प्राउटिंग होती है और वो एंजाइम वहाँ प्रेजेंट होता है। तो उस समय पीक कंडीशंस में हम जब सीड्स को उगा लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे वो सब मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करना चाह रहा हूँ। देखिए, ये हर तरह के सीड हम लोगों ने यहाँ इकट्ठे किए हैं। ये हमारे पास है मक्के का सीड, मक्के के बीज लिए हैं हमने। ये हमारे उड़द की दाल, या आप बोलेंगे ब्लैक बेरी बोल सकते हैं। ये हमारा मेथी है, मेथी लिया हमने। ये बाजरा का लिया है। ये राजमा है, क्योंकि आपको मालूम है राजमा में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं। ये हमारी मोठ है। ये राइस बीन हम बोलते हैं, इसमें भी सब में प्रोटीन 20% के आसपास होता है। ये सूरजमुखी हमने लिया है, इसके सीड्स ले लिए हैं। इसी तरह से ये हमारा ये गेहूं का आपका है, ये ग्रीन ग्राम है, ये हमारा सोयाबीन है। तो ये सारे के सारे सीड्स, उसके अलावा ये बाकी भी सीड्स जो हमको जो हमारे आसपास मिल गए, ज्वार बाजरा और ये चना, ये धान, जौ का धान का आपका, ये मसूर। तो ये सारे जो हैं सीड्स, हमने करीब 17 तरह के सीड्स यहाँ पे लिए हैं। अब इन सीड्स को सारे के सारे हम मिट्टी जो उन्होंने बना रखी है इसमें जाके बोने जा रहे हैं। इसको अंदर हम बो देंगे। बोने का तरीका क्या है कि पहले हम सारे सीड्स को इससे वेस्ट डिकम्पोजर से छिड़केंगे, छिड़कने के बाद इसमें सोइंग कर देंगे। वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन है, इससे इसको भिगोएंगे। ट्रीटमेंट करने के बाद ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, एक साथ मिला भी सकते हैं हम। जैसे ही हमने एक ट्रे ली, अब इसमें आप चाहे अलग अलग ट्रे में डाल दें। ये एक लिया हमने,
इसमें थोड़ा सा हम वो बेस डिकम्पोजर सॉल्यूशन डालेंगे। ये देखिए बेस डिकम्पोजर सॉल्यूशन लिया गया, हाँ इसको थोड़ा सा हम हाथ से बस अच्छी तरह से सबके ऊपर डाल देंगे। ये इस तरह से करके और इसी तरह से इसको हम ट्रे में इसको बुआई कर देंगे। ये एक किलो सारा ले लो, चटनी बनाओ और इसके अंदर डालो और पी लो।
स्पाइसी हो गई, दाल चावल सब्जी रोटी सब ये हो गया कि तिल का बीज वाली होगी तो नहीं बीज है तो बीज सीजन वाली चीज जो है वो ज़्यादा हो गई अभी जो इस समय सीजन का ये देखिए वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन लिया गया है। हाँ, इसको थोड़ा सा हम हाथ से बस अच्छी तरह से सबके ऊपर डाल देंगे।
ये इस तरह से करके और इसी तरह से इसको हम ट्रे में इसको बुवाई कर देंगे। है गे सब। जैसा कि महोदय जी ने भी आपको बताया था उसी मेथड से इसको इन बीजों को 17 प्रकार के जो हमारे पास बीज थे उनको बीज डिकम्पोजर द्वारा सीड ट्रीटमेंट करके उनका बीज का उपचार करके इसमें अब बुवाई कर दी गई है। अब इस इन सभी ट्रेयों में थोड़ा थोड़ा नमी के लिए पानी अब हम देने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ पानी ले आओ। ये हमारी 17 ट्रे हैं जो बीज डिकम्पोजर द्वारा इस बीज को उपचार कर दिया गया है। अब इनको हम नमी बनाने के लिए इनमें पानी का छिड़काव कर रहे हैं। भाइयों, जो मैंने सत्रह तरह के हमने बीज लिए थे जिनको हम लोगों ने बोया था, आज देखिए 5 दिन हो गए। 5 दिन के बाद ये सब आपके उगना शुरू हो गए। ये 2 पत्ती जो हमारी आ गई इसके माने ये उगाया। अब इसको ये हमारा जो है मूंग का पेड़ है, ये हमारा जो है राजमा का पेड़ है, किसी में कम किसी में अधिक, क्योंकि सीड अगर अच्छा नहीं तो कम उगेगा। ये हमारा गेहूँ का है, ये हमारा देखिए मेथी का सीड है जो उगाया, ये जौ का है, जौ का उगा हुआ। अब ये देखिए चने का, चना आपको दिखाई दे रहा है, चने का भी उगाया है। ये 2 पत्ती बस निकल आई, जैसे 2 पत्ती निकल रही है। आपका मक्के का है, 2 पत्ती निकल आई, बहुत है। अब इस समय ये आपका सूरजमुखी का है, ये भी थोड़ा थोड़ा निकल आया है। ये देखिए आपका बाजरे का है, ये भी पत्ती निकल आई। ये हमारा मसूर का है, मसूर की पत्ती निकल आई है। इधर हमारा देखिए उड़द लगा है, उड़द की पत्ती निकल आई। तिल है, ये तिल का हमारा पेड़ है, इसमें पत्तियां निकल आई हैं। अब इधर देखें आप मोठ है, मोठ में पत्ती निकल आई, इसमें थोड़ा सा कम निकली है, ज्वार में थोड़ा कम निकली है, तो इसको भी थोड़ा दिन और रखेंगे। इसी तरह से 3-4 हमारे और भी हैं जिसमें कि पत्तियां नहीं निकली हैं, तो इसको हम अभी थोड़ा रख देंगे। लेकिन जो ये पत्तियां निकल आई हैं, अब क्या करना है कि हमको इनको सबको उखाड़ लेंगे। अब इसको यहाँ से हम प्लांट से दुखाड़ने के बाद एक खाली ट्रे में डाल लेंगे, तो इसमें कलेक्शन करेंगे सब, इसमें डाल निकाल के डाल, थोड़ा सा गीला रखेंगे, गीला करके इसमें से हम पत्ती डाल देंगे। कोशिश ये करेंगे नीचे से आप जड़ से लें, उसको खोद के जड़ से निकाल लेंगे। एक मिनट, किसी चीज से खोद लूंगा, कोई खोदने वाला चीज है। तो इसमें ये जब पत्ते निकाला है तो इसमें क्या है कि जो हमारी एंजाइम एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। जो मैं बता रहा था कि इसको जो उगाने के लिए जब हम प्लांट को उगाते हैं, इसीलिए हम लोग स्प्राउट जब हम देखते हैं
मूंग के सीड को स्प्राउट करते हैं, चने के सीड को उसको निकालते हैं, थोड़ा सा उसमें जड़ निकलती है, उसके बाद खाते हैं। तो वो हमारा माना गया है कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर एंजाइम होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। तो ये जब हम इसको कर रहे हैं तो इसको हम क्या कर? इसको हमने क्या किया, मिट्टी के अंदर कर लिया। तो मिट्टी के अंदर जब हम इसको निकाल के सब हम लोग उसमें डालेंगे सब पीस, तो कोशिश करना है कि थोड़ा सा गीला रहे। गीला रहने के बाद इसके जड़ सहित, इसका जड़ सहित निकाल लें। देखिए हम निकाला है, जड़ सहित आ गया, इसको इसमें डाल दिया। इसी तरह से सारा जितना है हमारा जड़ सहित निकाल लें। देखिए ये तरीका है, ये निकालने का, इसको निकाल लिया। अब ये सारे के सारे जितने हैं हम पूरा निकालेंगे। अब ये निकालने के बाद इसको, ये हमने निकाल लिया, इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, इसको पतला पतली अगर चटनी जितना पीस सके इसको पीस के निकालेंगे। इसको पीसेंगे और पीसने के बाद इसको हम वेस्ट डिकम्पोजर डाल देंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये एंजाइम के लिए है, एंजाइम बनाता है, तो एंजाइम का प्रोसेस हमेशा ठंडे में होता है, तो ये हमेशा शेड में करना, कभी भी बाहर में धूप में नहीं रखना। और जो इसको डिकम्पोज भी कराएंगे हम बाल्टी के अंदर, वो बाल्टी जो भी लेंगे जितना ही हमारे निकलेगी, हम 4 लीटर ले रहे हैं, उसको 4 लीटर के अंदर इसको हम डालेंगे। डालने के बाद इसको सड़ाएंगे, सड़ाने के बाद उसका जूस निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए हमने तरह तरह के जो हमने सीड्स उगाए थे हमने तोड़ लिए हैं। अब तोड़ के इसको हम इसके अंदर बाल्टी में डालने जा रहे हैं ताकि ये पूरा का पूरा आपका डिकम्पोज हो जाए। इसको करने के लिए अब इसमें हम ये कर लिया, अब हम लोग इसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर लाएँ जितना है, तो इसमें करीब 4 लीटर डिकम्पोजर के हिसाब से डाल देंगे। बस बहुत है। अब ये जो हमने डाला इसको हम रख देंगे 21 दिन तक, 21 दिन में पूरा डिकम्पोज जाएगा। डिकम्पोज होने के बाद इसके अंदर के जितने भी एंजाइम हैं वो सब हमारे डिकम्पोजर में आ जाएंगे। डिकम्पोजर में आ गए उसको फिर हम छान के, पीस के छान के, क्योंकि पीस के इसमें डाल लेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसे भी डाल सकते हैं। अब इसका जूस निकाल लेंगे, जूस निकाल के हम उसको भरेंगे। तो ये जो आएगा इसके अंदर हर तरह के, क्योंकि हमने 17 तरह के सीड लिए, तो 17 तरह के से ज़्यादा, क्योंकि एक एक सीड के अंदर कई तरह के एंजाइम होते हैं, वो सारे एंजाइम इसके अंदर आ जाएंगे। अब निकालने के बाद इसको हम ठंडे में रख देंगे, इसको हमें धूप में नहीं रखना। दूसरा, क्योंकि जैसे धूप में रखेंगे धूप में इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, मतलब बदल जाता है, गुण बदल जाता है। तो अब एक पूरा प्रोसेस ठंडे में किया, ठंडे में करने के बाद इसको भी ठंडे में रखेंगे। इसको ठंडे में रखने के बाद फिर हम देखेंगे कि ये पानी बन गया। और इस पानी को कितना, 100 ml, खाली 100 ml हमको स्प्रे करना है किसी फसल पे, उससे अधिक नहीं डालना। 100 ml स्प्रे करने पानी साथ भी कर सकते हैं, या वेस्ट डिकम्पोजर जो स्प्रे कर रहे हैं आप उसके साथ भी मिला सकते हैं। लेकिन ये काम शाम को करना है, आपके सनसेट के बाद, जब धूप ना हो उस समय करना है, क्योंकि ये एंजाइम है। एंजाइम जब वो प्लांट के ऊपर जाता है तो वो सोखेगा, सोखने के बाद उसको आपकी जो गुणवत्ता है उसकी बढ़ेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब जो कि एंजाइम से ही डाइजेस्ट होती हैं, जो खाना है वो भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा, प्लांट में रेगुलेशन बढ़ेगा, आप देखेंगे लीव्स बड़ी हो जाएंगी, हर फल जो भी फल लगा उसकी क्वालिटी अलग हो जाएगी, उसमें मिठास लगाएगी, उसमें उसका साइज बढ़ जाएगा, प्लस उसमें शाइनिंग बढ़ जाएगी, ये सब गुण आएंगे। तो ये जो हम एंजाइम है, ये आपको बताया कि जितने सीड लेंगे तो ये 4000 तरह के एंजाइम होते हैं जो कि आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप मार्केट में लेते हैं तो ये लाखों रुपए में 1 ग्राम मिलता है, तो वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ये ठंडा प्रोसेस है, सही प्रोसेस, आप इसको करें। और ये जो निकला इसको हम चाहे आप बोलें एंजाइम बोलें या अमृत पानी बोलें या इसका कोई भी नाम दें। अब दूसरा क्या है, जैसे हमने ये तो कर ही लिया, अब जो मिट्टी बनी, ये जो मिट्टी हमारी बच रही है ये भी यूजफुल है, क्योंकि इसके अंदर हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर जन्म ले चुके हैं, क्योंकि राइजोस्फीयर इसके अंदर बनता है, जड़ों के आसपास राइजोस्फीयर होता है, राइजोस्फीयर के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया की एक्टिविटी होती है। अब जो बैक्टीरियल एक्टिविटी, तो ये मिट्टी भी हमारी फायदेमंद है। अब इस मिट्टी का हम कैसे उपयोग करेंगे, इसको भी हम अलग रखेंगे और इसको अलग बनाएंगे। इस मिट्टी को भी यूज़ करेंगे और इसको भी यूज़ करेंगे, तो दोनों ही हमारे ये एंजाइम देगा, ये तरह तरह के बैक्टीरिया प्लस एंजाइम दोनों देगा। तो दोनों की चीज़ों को हम इसका उपयोग करके आपको करेंगे और देखेंगे आप फसलों में क्या इसका असर आता है।